हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट रेसिपी लेके आए जो कि छत्तीसगढ़ के गांव में खासकर बनाया जाता है और बहुत ही टेस्टी तो लगता ही है, साथ में हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है सूरन या जिमीकंद जिसे बोलते हैं आप लोग। जिमीकंद का कांदा तो आप सभी से खाते होंगे, पर शायद आपने ये वाली सब्जी नहीं खाई होगी, तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये है जिमीकंद का जो उसका जो पेड़ होता है उसी के साइड में एक कोमल सा बाद में पेड़ और ऐसे निकलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इसे कमसैया बोला जाता है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसकी सब्जी बनाकर खाया जाता है। इसे आप खट्टे में बना सकते हैं, बिना खट्टे का भी बना सकते हैं। और इसके बाद जो जिमीकंद में जो पेड़ निकले रहता है उसका हम बड़ी बनाते हैं और साइड में जो कमसैया निकलता है उसका हम सब्जी बनाते हैं। तो आज हम उसका सब्जी बनाने जा रहे हैं जो कि आज हम खट्टे में बनाएंगे और वो भी भिंडी के साथ। काफ़ी स्वादिष्ट रेसिपी बनती है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है भिंडी। भिंडी को मैंने पहले अच्छे से धो लिया था, धोने के बाद अच्छे से सूखा पोंछ लिया था और पोंछने के बाद हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ऐसे टाइप से हम इसे कट कर लेते हैं, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, मीडियम साइज़ में। और इसके बाद भिंडी को हम काटने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा हाथों में तेल लगा लेते हैं। अब हमें काटना है कमसैया को। तो कमसैया जो होता है थोड़ा सा खुजली करता है, बस उसका छिलका खुजली करता है, बाकी अंदर का जो है वो बिल्कुल नहीं खुजलाता है। तो हमें इसका छिलका निकालने के लिए हाथों में सरसों का तेल अच्छे से लगा लेना है। इसे मैं थोड़ा पीस में काट लेती हूँ कि छिलने में मुझे आसानी हो। तो ये देखिए, अब इसे हम आसानी से ऐसे छिल सकते हैं, बस इसका छिलका निकाल लीजिए। यही छिलका है जो कि थोड़ा सा खुजली करता है अगर हाथों में टच हो जाए तो, इसलिए हम तेल लगा लेते हैं। बाकी अंदर का जो स्कीम है वो बिल्कुल भी खुजली नहीं करता है और ये एकदम सॉफ्ट होता है दोस्तों। ये जो होता है जिमीकंद का पेड़ के बाजू में, मतलब ये जो होता है सावन भादो के महीने में, खासकर ये साइड में ही उसी पेड़ से ही निकलता है साइड में, और काफ़ी सॉफ्ट तना होता है इसका। तो इसे हम छील लेते हैं। छीलने के बाद हम इसे भी छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं और इसमें जो इसके जो भाजी है, इसकी जो पत्तियां है दोस्तों, इसे भी हम छील लेते हैं और छील के काट लेंगे। तो पहले देखिए, इसे इस टाइप से काट लेते हैं, एकदम ज़्यादा पतला बारीक नहीं काटना है हमें, थोड़ा सा इस टाइप से हमें काटना है कि थोड़ा सा सब्जी में अच्छे से पक जाए, क्योंकि ये जो है एकदम सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी पक जाता है, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और खुजली तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि खुजली करेगा, खुजली नहीं करता। और ये देखिए, इसका जो ऐसे ऊपर का जो भाजी होता है, जो अगर भाजी थोड़ा सा फैल गया होता है दोस्तों, तो उसे हम यूज़ नहीं करेंगे, उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगेगा। और भाजी अगर एकदम मुड़ा हुआ है, एकदम ज़्यादा फैला नहीं है पेड़ का, तो फिर हम इसे भी बारीक बारीक काट कर सब्जी में यूज़ करेंगे। और ये देखिए, ऊपर का जो थोड़ा सा तना है उसे भी हम छील लेते हैं, छिलका को इसका निकाल लेते हैं। छिलका ही है, वही खुजली करता है, बाकी अंदर का जो तना है वो बिल्कुल खुजली नहीं करता। अब इसे हम इसे भी बारीक बारीक ऐसे चॉप कर लेते हैं, काट लेते हैं। इसका जो पत्तियाँ है, अगर जैसे एकदम फैला हुआ है इस टाइप से, देखिए ज़्यादा फैल गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। जिसका पत्ती थोड़ा सा कोमल कोमल है उसे ही हम बारीक बारीक काट कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा सभी अच्छे से हमने काट लिया है। अब इसे हम एक बर्तन में डाल देते हैं जिसमें हमें इसे हल्का सा बॉईल करना है। इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, इसे आप बॉईल कर सकते हैं हल्का सा, या फिर आप इसे तेल में अच्छे से भून सकते हैं। तो मैं आज बॉईल करने वाला बता देती हूँ आपको, और नेक्स्ट वीडियो में आपको भून कर जो बनाते हैं वो बता दूँगी, क्योंकि कई लोगों को भूनना पसंद आता है, कई लोग ऐसे उबालना। तो हल्का सा एक उबाल करके उसका पानी को अलग कर दीजिए। अब हम सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई मैंने डाल दिया सरसों का तेल। अब हम यहाँ पर डाल देंगे जो भिंडी हमने काट के रखा था, उस भिंडी को हल्का सा हम सैलो फ्राई करके निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, भिंडी जो है अच्छे से भून जाएगा। भिंडी को थोड़ा हम ऐसे बड़े बड़े साइज में काटे हैं जिससे क्योंकि दिखने में बहुत अच्छा टेस्टी दिखता है दोस्तों सब्जी, इसलिए मैं इसको ऐसे ही शेप में काटी हूँ। अगर आप चाहें तो थोड़ा छोटे और कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने कमसैया जो उबाल के रखा था उसे भी हम डाल देते हैं, उसे भी भून लेते हैं। दोनों को भूनने के बाद, अच्छे से भूनने के बाद निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से भून गया है, कलर चेंज हो गया है, बस इसे आप एक निकाल लीजिए। और निकालने के बाद हमारा जो कढ़ाई जो खाली हो जाएगा उसमें हम थोड़ा सा तेल और डाल देते हैं सब्जी बनाने के लिए। तो ये देखिए, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दीजिए। अब यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये मैं इसे मही में बना रही हूँ, मट्ठा में बना रही हूँ, बटर मिल्क जो बोलते हैं उसमें। आप चाहे तो दही में भी बना सकते हैं, मेरे पास मही था तो मैं मही बना रही हूँ। तो मही में मैं यहाँ पे एक छोटा चम्मच बेसन डालकर उसे अच्छे से फेंट लेती हूँ जिससे कि मही फटे नहीं। और यहाँ पर तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ पर प्याज, मिर्ची, मीठा पत्ती, ये सब हम डाल देते हैं। प्याज यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का लिया था, इसे आप अपने मन पर जैसे चाहे वैसे काट सकते हैं। मिर्ची को आप जैसे चाहे वैसे काट सकते हैं, बड़े डाल सकते हैं या फिर पीसेस काट के डाल सकते हैं। और मीठा पत्ती तो डालना एकदम ज़रूरी होता है दोस्तों, खट्टे सब्जी में उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसमें हम यहाँ पर डाल देते हैं दो टमाटर, यहाँ पर हम डाल देते हैं नमक जिससे कि टमाटर हमारा जल्दी से पक जाए।
तो टमाटर चाहे तो आप उसे भी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप दही या मही या कम डाल रहे हैं दही मही को, तो टमाटर यहाँ पे 2 की जगह 4 डाल दीजिए। और यहाँ पर डाल देते हैं सूखे मसाले, जैसे कि धनिया है, हल्दी है, चाहे तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने हरा मिर्च डाला था जो कि काफ़ी तीखा है, तो मैं मिर्ची पाउडर नहीं डाल रही हूँ। जब ये टमाटर अच्छे से पक जाए तो हम यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, ये जो टेम्परेचर है गर्म हो जाता है उसे थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए। और यहाँ पे डाल देते हैं मट्ठा जो हमने फेंट के रखा था, जिसमें हमने 1 चम्मच बेसन फेंटा था, उसे हम डाल देते हैं। और जो बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे और डाल देते हैं मट्ठा को। हमें थोड़ा सा ये जो रस है उसे, मतलब कढ़ी है, उसे हल्का सा पतला करना है, जो कि ये पकने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर जो हमने कम से जो भून के रखा था उसे हम डालेंगे। जब सब्ज़ी में जब बॉईल आना शुरू हो जाए तब हम इसे डाल देते हैं। हल्का सा एक बॉईल आते ही हम इसे डाल देंगे और बस इसे हम पकने देते हैं अच्छे से बॉईल आते तक। ये देखिए दोस्तों कलर देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, खाने में तो टेस्टी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और ये जो सब्ज़ी है कभी कभी मिलता है तो इसे आप ज़रूर खाइए, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट सब्ज़ी बनता है। ये देखिए जब ये बन जाए तो गैस को बंद कर दीजिए। करीब मैं इसे 3-4 मिनट पकाई हूँ। अब इसका ग्रेवी को आप अपने अनुसार से जी गाढ़ा पतला रख सकते हैं और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, इंजॉय कीजिए। कैसे लगे रेसिपी कमेंट करना ज़रूर दोस्तों, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं।